लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं श्रुति चांदना, स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पर आज किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दिया डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि एमएसपी निश्चित की जाए और अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके इन मांगों को लेकर डीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया और डीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन भेज दिया जाएगा। वहीं किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग यूपी सरकार को हराने का काम करेंगे। रिपोर्टर राजकुमार बांदा। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन का संगठन। किस गांव से आए हैं? यही बुंदेलखंड रहते हैं, पांडे। क्या मामला है जो आज डीएम साहब के पास आना? ये अभी 378 दिन किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये तीनों कृषि काले कानून, इसी का एक ज्ञापन दिया है हमने। काले कानून तो केंद्र सरकार ने वापस दिया, लेकिन 15 जनवरी तक का एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने का वादा किया था। केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई है, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि अगर जल्दी एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाया गया तो हम यूपी मिशन के तहत यूपी सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी यही दो मांगे हैं कि किसानों के हत्यारे लखीमपुर खीरी में राजेंद्र अजय मिश्र टेनी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। डीएम साहब से मिले आज? जी, डीएम साहब तो नहीं मिले, उनके प्रतिनिधि आए थे। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि आपकी अब ये मांग पत्र जो है हम राष्ट्रपति महोदय तक भिजवा देंगे। ठीक।